गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, होप यू ऑल आर फाइन एंड डूइंग वेल। टुडे इज़ योर एम्प्टी क्लास, सो ऑल ऑफ यू प्लीज़ ओपन योर लाइफ लेसन, पेज नंबर 5, लेसन नंबर 1, द फुलिश ब्राह्मण। नाउ लेट्स स्टार्ट द स्टोरी। लॉन्ग टाइम अगो देयर लिव्ड अ पुअर ब्राह्मण हु हैड टू बेग फॉर हिज लाइवहुड। एक काफ़ी समय पहले की बात है, एक गरीब ब्राह्मण था जो कि भिक्षा लेकर अपने जीवन को यापन कर रहा था। समटाइम ही एवन हैड टू लिव विदाउट फूड फॉर मैनी डेज। कभी कभी क्या होता था, उसको बिना खाने के ही उसको कई दिन तक भूखा रहना पड़ता था। बट वन डे ही गॉट अ पॉट फुल ऑफ फ्लोर। लेकिन एक दिन उसको एक आटे से भरा हुआ मटका मिलता है। ही वॉज वेरी हैप्पी, वो बहुत खुश होता है। ही टुक द पॉट होम, हैंग इट अप नियर हिज हैबिट एंड गेज्ड लविंगली एट हिज पॉट ऑफ फ्लोर। वो उस पॉट को अपने घर ले आता है और अपने बेड के पास ही उसको हैंग कर देता है, यानी कि टांग देता है और बेड पर लेटकर उसके बारे में अकेले में सोचने लगता है। आई विश आई वर रिच, थॉट द पुअर ब्राह्मण। पुअर ब्राह्मण सोचता है जो कि मैं अमीर बनना चाहता हूँ। देन आई नीड नॉट टू बैग फ्रॉम डोर टू डोर, मैं अब एक दरवाजे से दूसरे दरवाजे भिक्षा लेना यानी कि भीख मांगने नहीं जाना चाहता हूँ। देयर इज़ अ लॉट ऑफ फ्लोर इन दैट पॉट, इस मटके में बहुत सा आटा है। ही सेड टू हिमसेल्फ, बट शैल आई किप्ट इट और शैल आई सेल इट, क्या मैं इसको अपने पास रख लूँ या मैं इसको बेच दूँ। सपोज देयर वॉज अ फैमिन इन द लैंड, आई वुड गो टू द मार्केट एंड आई कुड सेल इट फॉर अ वेरी गुड प्राइस। और सपोज़ कि मैं इसको ज़मीन पे उगा दूँ या इसको मार्केट में जाके अच्छे पैसों में बेच दूँ। आई वुड कॉल आउट हु विल बाय माई फ्लोर, मैं बाज़ार में जाके बोलूँ कि कौन मेरा आटा ख़रीदना चाहता है। एंड मैनी पीपल वुड कम टू बाय माई फ्लोर, और बहुत सारे जो लोग हैं वो मेरा पास आटा ख़रीदने के लिए आएंगे। आई विल बाय इट फॉर 15 रुपीज़, मैं इसको 15 रुपये में बेचूँगा। हेयर इज़ अ 20 एनदर वुड से शाउट, और दूसरा आदमी कहेगा कि मैं 20 रुपये में ले लूँगा। आई विल बाय इट फॉर 22, अ थर्ड मैन वुड से एंड आई शेल सेल द आटा टू हिम फॉर 22 रुपीज़, तभी तीसरा आदमी बोलेगा कि मैं इसके 22 रुपीज़ दूँगा और मैं अपना आटा 22 रुपीज़ देकर उसको दे दूँगा। नाउ वॉट शेल आई डू विद माई रुपीज़, अब मैं इन रुपये का क्या करूँगा। शेल आई बाय अ पेयर ऑफ शूज़, और धोती, मैं अपने लिए एक जोड़े जूते खरीदूं या अपने लिए एक धोती खरीदूं। नो, आई शेल नॉट बाय शूज़ एंड अ धोती, नहीं, मैं अपने लिए ना तो धोती खरीदूंगा ना ही शूज़ खरीदूंगा। आई शेल स्टार्ट अ बिज़नेस विद माई 22 रुपीज़, मैं इन 22 रुपीज़ से अपने लिए एक बिज़नेस शुरू करूंगा। फर्स्ट आई शेल बाय अ पेयर ऑफ शी गोट, सबसे पहले मैं उसे एक पेयर बकरी का ख़रीदूँगा। आई शेल फीड द गोट्स ऑन ग्रीन ग्रास एंड लीव्स, मैं बकरी को घास और हरी पत्तियाँ खिलाऊँगा। सून द गोट्स विल हैव लिटिल वंस एंड इन अ फ्यू ईयर्स आई शेल हैव एट लीस्ट 10 गोट्स, धीरे धीरे क्या है, वो छोटी सी जो एक बकरी थी वो धीरे धीरे कई सालों में 10 बकरियों में बदल जाएगी। नाउ वॉट शेल आई डू विद दोज 10 गोट्स, अब मैं उन 10 बकरियों का क्या करूँगा। आई शेल सेल देम इन द मार्केट, मैं उनको क्या करूँगा, मार्केट में जाके सेल करूँगा। गोट्स, हु विल बाय माई प्लम्प ऑफ गोट्स, आई शेल शाउट इन द मार्केट, और मैं मार्केट में पहुँच के चिल्लाऊँगा, बकरी, कौन मेरी प्यारी बकरियाँ ख़रीदना चाहता है। जस्ट द थिंग आई वॉज लुकिंग फॉर, अ विलेजर विद अ रेड टर्बन एंड अ ब्लैक शर्ट विल कम एंड से वॉट वी विल बाय माई शू गोट्स फॉर 200 रुपीज़, तभी वहाँ पर एक लाल पगड़ी वाला और काली शर्ट वाला आदमी आएगा गाँव का, और वो मेरी बकरियाँ 200 रुपये में ख़रीद ले जाएगा। नाउ वॉट शेल आई डू विद माई 200 रुपीज़, अब मैं अपने उन 200 रुपये के साथ क्या करूँगा। शेल आई बाय अ येलो सिल्क को कोट और शेल आई बाय अ ब्यूटीफुल कपबोर्ड, अब मैं उसे क्या करूँगा, अपने लिए एक पीले रंग का सिल्क का कोट ख़रीद लूँ या एक प्यारा सा
कप बोल खरीद लूँ। नो नो आई शैल नॉट वेस्ट माई 200 rupees लाइक डैट, लेकिन क्या मैं अपने 200 rupees इस तरह से बर्बाद नहीं करूँगा। आई शैल बाय 2 cows, मैं उससे क्या खरीदूँगा, 2 गाय खरीदूँगा। द काउज विल हैव क्लोज एंड द क्लोज विल ग्रो अप एंड बिकम काउज एंड देन ऑल द काउज विल हैव मोर क्लेम्स। क्या होगा, मैं गाय खरीदूँगा, गाय क्या देगी, बछड़ा देगी, और वो बछड़ा कुछ सालों में फिर से गाय बन जाएंगे, वो सारी गाय फिर से और बछड़े देंगे, इस तरह से मेरे पास बहुत सारा मिल्क आ जाएगा। एंड आई शैल सेल मिल्क बटर एंड क्रीम, अब मैं क्या करूँगा, उस मिल्क बटर और क्रीम को सेल करूँगा। एंड आई शैल मेक बर्फी रसगुल्ला एंड गुलाब जामुन एंड आई शैल हैव माई ओन शॉप विथ स्वीट्स, और मैं उससे उस दूध से बनी हुई बर्फ़ी रसगुल्ला और गुलाब जामुन को बेचूँगा, इस तरह से मेरे पास अपनी एक मिठाई की दुकान आ जाएगी। स्वीट्स स्वीट्स हु विल बाय माई स्वीट्स, आई शैल कॉल आउट, हु विल बाय माई फ्रेश एंड प्योर स्वीट्स, टेस्टी स्वीट्स स्वीट स्वीट्स एंड क्राउड विल कम ऑफ चिल्ड्रेन विथ सिल्वर कॉइंस इन देयर हैंड एंड देयर माउथ विल बी वाटरिंग। मैं चिल्लाऊंगा मिठाइयाँ ले लो, मिठाइयाँ ले लो, आके मेरी मिठाइयाँ ले लो, इस तरह से चिल्लाऊंगा, टेस्टी स्वीट स्वीट स्वीट, आइए मेरी जो स्वीट्स हैं वो फ्रेश हैं और प्योर हैं, टेस्टी हैं, आके स्वीट्स ले लीजिए। और मेरी दुकान के बाहर बच्चों की भीड़ इकट्ठा हो जाएगी, जिनके हाथ में क्या होंगे, सिल्वर कॉइन्स होंगे और उनके मुँह से पानी टपक रहा होगा। एंड देयर दीज विल बी बोथ मैन एंड वुमेन टू वेटिंग इन अ लॉन्ग क्यू कोई लॉन्ग क्यू टू बाय माई स्वीट, सिर्फ बच्चे ही नहीं बल्कि आदमी और औरतें भी एक लंबी लाइन लगाकर मेरी दुकान से मिठाइयाँ खरीदेंगी। एंड आई शैल टू गो गुड बिजनेस एंड आई शैल गेट रिचर एंड रिचर, इस तरह से मेरा बिजनेस अच्छा हो जाएगा और मैं बहुत जल्दी अमीर और अमीर बन जाऊँगा। नाउ वॉट शैल आई डू विद ऑल द मनी, अब मैं इस सारी मनी का क्या करूँगा, आई गेट शैल आई बाई एन एलिफेंट और शैल आई बिल्ड अ धर्मशाला, मैं इससे एक हाथी खरीद लूँ या इससे एक धर्मशाला बना लूँ। नो नो आई नो वॉट आई शैल डू, नहीं नहीं मुझे पता है मुझे क्या करना चाहिए, आई शैल ट्रेड इन गोल्ड पर्ल्स एंड डायमंड्स, मैं इससे क्या खरीदूँगा, इससे गोल्ड पर्ल और डायमंड खरीदूँगा। यस आई शैल बाय माई गोल्ड पर्ल एंड डायमंड एंड मैनी अदर प्रीशियस स्टोन फॉर माई मनी, मैं इससे इस पैसे से अपने लिए खूब सारा सोना और मोती और हीरे खरीदूँगा और भी अलग तरह के प्रीशियस स्टोन को खरीदूँगा। देन आई शैल पुट अ लवली स्किन सिल्कन कोट विद एंड अ वेरी नाइस टर्बन एंड आई शैल गो टू द किंग, और मैं उससे अपने लिए एक प्यारा सा सिल्क का कोट खरीदूँगा और एक प्यारी टर्बन पगड़ी खरीदूँगा और उसको पहन के राजा के पास जाऊँगा। पर्ल्स डायमंड्स रूबीज ऑल फॉर यू माई स्त्री, और जाके राजा से कहूँगा, राजा ये पर्ल जो मोती हैं हीरे हैं और रूबी है ये सब आपके लिए है। आई शैल से पर्ल डायमंड ऑल द वेरी बेस्ट, आह द किंग विल से जस्ट वॉन्ट आई वॉन्ट फॉर माई क्वीन, राजा उससे कहेगा हाँ बहुत अच्छा मैं अपनी रानी के लिए भी ये सब चाहता हूँ। एंड आई शैल ट्रेड इन पर्ल एंड डायमंड्स एंड अदर प्रीशियस स्टोन इन अ बिग वे, और इस तरह से मैं बहुत अमीर बन जाऊँगा इन सारी डायमंड और पर्ल को बेचते हुए। देन आई शैल बिल्ड अ मैंशन विद ब्यूटिफुल बिग लॉन एंड अ लवली मैंगो ग्रोव्स, फिर मैं एक बड़ा सा महल बनाऊँगा जिसका लॉन बहुत अच्छा होगा और उसमें प्यारे मैंगो के ट्रीज होंगे। एंड देयर विल बी रेयर रोजेज इन द गार्डन एंड अ पूल फुल ऑफ लोटस फ्लावर, वहाँ पर क्या होंगे बहुत ही दुर्लभ तरह के रोज़ होंगे गार्डन में, और एक गार्डन में क्या होगा पूल होगा तालाब होगा जिसमें लोटस के फ्लावर्स होंगे। एंड वाइट स्वाइंस विल बी स्विमिंग देम, और वहाँ पे सफ़ेद बत्तख जो हैं वो तैरेंगे। देन मैनी रिच मैन विल लाइन अप एंड आस्क मी टू मैरी देयर डॉटर्स, तब क्या होगा कि मैं बहुत सारे अमीर लोग आएंगे लाइन लगा के मेरे पास आएंगे और कहेंगे कि मेरी बेटी से शादी कर लो। शैल आई मैरी वन ऑफ दोज गर्ल, क्या मुझे उनमें से किसी लड़की से शादी करनी चाहिए। ओह नो लाउड विल कम एंड द किंग हिमसेल्फ विल आस्क मी टू मैरी हिज डॉटर, नहीं मुझे इनमें से नहीं बल्कि राजा खुद कहेगा कि मेरी बेटी से ही शादी कर लो। यस देन द ब्यूटिफुल प्रिंसेस विद हर लॉन्ग हेयर एंड लार्ज ब्लू आइज विद मी माई ब्राइड, बिल्कुल सही राजा की प्यारी सी वो राजकुमारी जिसके बहुत लंबे बाल हैं और बड़ी बड़ी नीली आँखें हैं वही मेरी दुल्हन बनेगी।
एंड सून वी शैल हैव अ सन एंड देन अ डॉटर, और जल्दी हमको क्या हो जाएगा, एक बेटा हो जाएगा और एक बेटी हो जाएगी। एंड आई शैल प्ले विद माई चिल्ड्रेन इन द गार्डन, और मैं अपने बच्चों के साथ बगीचे में खेलूँगा। देन आई फील टायर्ड, आई शैल आस्क माई वाइफ टू प्ले विद द चिल्ड्रेन वाइल आई गो एंड टेक रेस्ट, और जब मैं थक जाऊँगा तो अपनी वाइफ से कहूँगा कि आके बच्चों के साथ खेलो, अब मैं जा रहा हूँ थोड़ी देर रेस्ट करने। बट माई वाइफ विल बी बिजी डूइंग अदर थिंग्स एंड द चिल्ड्रेन विल फॉलो मी, लेकिन मेरी वाइफ जो थी वो दूसरे कामों में बिजी होगी। आई शैल नॉट परमिट द चिल्ड्रेन टू डिस्टर्ब मी वेन आई एम रेस्टिंग, मैं बच्चों को बिल्कुल अलाउ नहीं करूँगा कि जब मैं सो रहा हूँ तो मुझे डिस्टर्ब करो। आई शैल नॉट शाउट एट देम, मैं उनके ऊपर कभी चिल्लाऊँगा नहीं। बट चिल्ड्रेंस आर चिल्ड्रेन, लेकिन बच्चे तो बच्चे ही हैं। एज दे बिकम मोर एंड मोर ट्रबलनेस आई शैल गेट एंग्री, आई शैल टेक अप अ स्टिक एंड बीट देम, लेकिन अगर बच्चे तब भी शैतानी करेंगे और परेशानी करेंगे तो मैं गुस्सा भी होऊंगा और उनको डंडा से मारूंगा भी। थिंकिंग ही वॉज बीटिंग द चिल्ड्रेन द ब्राह्मण बिगेन टू बीट द एयर विद हिज हैंड, इस तरह से सोचते हुए ब्राह्मण जो सपना देख रहा था वो हवा से में हाथ से ही अपने आप को मारने लगता है। सडनली वन हैंड स्टक अगेन द पॉट ऑफ फ्लोर, तभी अचानक क्या होता है, एक हाथ जो था वो आटे के मटके पे लग जाता है। क्रश द पॉट वेल डाउन एंड वॉज शैम्स इन टू अ 100 pieces, लेकिन क्या होता है, आटे का वो जो मटका होता है वो नीचे गिर जाता है और कई 100 टुकड़ों में टूट जाता है। द फ्लोर वॉज स्क्रैटेड एट ओवर द फ्लोर, और जो आटा था वो पूरे फर्श पे फैल जाता है। वॉट वॉज द नॉइज सेट द ब्राह्मण जम्पिंग आउट ऑफ बेड, वो तभी ब्राह्मण की आँख खुल जाती है और वो बेड से जंप करता हुआ उतरता है कि किस तरह का शोर था। ओनली द ब्रोकन पॉट एंड द फ्लोर स्प्रेड ऑल ओवर द मडी फ्लोर, वो देखता है कि जो पॉट था वो टूट गया है और जो मिट्टी में सारा आटा मिल गया है। ही लुक्ड अराउंड हिम ही बट कुड सी नो प्रिंसेस नो बिग हाउस नो लवली गार्डन नो मैंगो ग्रोव एंड ऑफ कोर्स नो चिल्ड्रेन, इस लॉर्ड वो अपने चारों तरफ देखता है तो उसको ना तो कहीं कोई प्रिंसेस दिखाई देती है, ना बड़ा सा मकान दिखता है, ना ही प्यारा सा गार्डन है, ना मैंगो ट्रीज हैं और ना ही बच्चे हैं। तो स्टूडेंट, ये आपकी स्टोरी थी, और द मोरल ऑफ द स्टोरी इज दैट नेवर सी ड्रीम्स इन अ डे, कि हमको दिन में सपने नहीं देखना चाहिए। सो स्टूडेंट, इट इज़ ऑल अबाउट योर लेसन, रीड द लेसन अगेन एट योर होम, फाइंड आउट द डिफिकल्ट वर्ड्स एंड ट्राई टू सॉल्व द एक्सरसाइज ऑफ दिस लेसन। हैव अ नाइस डे, थैंक यू।